हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पास्टर तेजपाल, आज फिर से स्वागत है आपका इस आज की सुबह में। और आज की सुबह प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हम जिंदा हैं, हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए। आज फिर मैं दुआ करूंगा कि परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और जो देखने वाले उनको भी आशीष दे। अगर आपकी कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें इसी समय भेज सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। आज मैं एक टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूँ जिसका नाम है विश्वास योग्यता। विश्वास योग्यता एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। और मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज ये मौका मुझे मिला है कि इस वचन पर हम बात कर सकें। विश्वास योग्यता परमेश्वर भी चाहता है हमारे ज़िंदगी में कि हम विश्वास योग्य रहे। ये विश्वास योग्यता किसी के प्रति भी हो सकती है, अपने भाइयों के प्रति, दोस्तों के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने जहाँ पर हम रहते हैं अपने ग्रुप के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति, हर एक के लिए हो सकती है। और मैं देखता हूँ कि आजकल लोगों में विश्वास योग्यता नहीं पाई जाती, इसलिए पिछले दिनों जब हम बात करते हैं अविश्वास है, इसलिए अलगाव है क्योंकि विश्वास योग्यता नहीं। कहीं ना कहीं लोग अपने विश्वास को तोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं उनके जीवन में समस्याएं आ जाती। क्यों ऐसा होता है, क्यों विश्वास योग्यता नहीं है लोगों में? क्योंकि जो वो अंगीकार करते हैं वो अंगीकार वो थाम के नहीं रखते, वो अंगीकार जो प्रोमिस करते हैं किसी से उस प्रोमिस पर खरे नहीं रहते, उस प्रोमिस को कहीं ना कहीं तोड़ देते अपने स्वार्थ के लिए। एक एक छोटा सा गीत है वो कहते हैं, अपने स्वार्थ की खातिर ये दुनिया बदलती जाती है, अपना ऐब छुपाने को दोष समय को देती है, ना बदला सूरज और चंदा ना धरती आसमान रे, सच्चा नाम नाम यीशु का कर तो उसका ध्यान रे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विश्वास योग्यता खत्म है लोगों के बीच में, और विश्वास योग्यता ही हमारे जिंदगी को डेवलप करती है। विश्वास ही हमारे जीवन में एक ऐसा आधार है, एक ऐसी नींव है, एक ऐसी फाउंडेशन है जिसके द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे विश्वास हमारे रिलेशनों को दूसरों के साथ सही बनाता है। अगर विश्वास टूट जाता है तो हमारे रिलेशन भी टूट जाते हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ विश्वास योग्यता कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि विश्वास योग्यता जो है, यीशु मसीह के बारे में और मूसा के बारे में प्रभु के वचन में लिखा कि यीशु मसीह अपने भेजने वाले के प्रति विश्वास योग्य था। इब्रानियों के पत्री उसका तीसरा अध्याय 1 और 2 पद अगर हम पढ़ते हैं, यहाँ पर मैं वचन में देखना चाहूंगा, यहाँ पर लिखा, हे पवित्र इसलिए हे पवित्र भाइयों, जो तुम स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर अपने जिसे हम अंगीकार करते ध्यान करो। दूसरे पद में लिखा है, वो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था। नियुक्त करने वाले के लिए, जो जिसने उसे ठहराया, जिसने उसे नियुक्त किया। आज मनुष्य क्या करता, आज क्यों समस्याएं, क्योंकि इसलिए क्योंकि वो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य नहीं है। कहीं ना कहीं विश्वास टूट जाता है, और जब कहीं ना कहीं कोई किसी का चुनाव करता है उस समय बड़े विश्वास योग्य होते हैं। हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, हम हो सकता है हम जॉब को पाना चाहते हैं और अलग अलग बातों को पाना चाहते हैं, कुछ आशीषों को पाना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है, यहाँ पर पौलुस प्रेरित इब्रानियों की पत्री को ये लिखा, इब्रानियों कलीसिया को लिखता है कि यीशु मसीह जो था वो अपने नियुक्त करने वाले के लिए, नियुक्त कौन, किसने किया, प्रभु ने, आपको परमिशन ने नियुक्त किया है। जो भी आप काम करते हैं उस काम पे नियुक्त किया परमेश्वर ने, जो भी आपका दर्शन है उस पे नियुक्त किया परमेश्वर ने, जो भी आपके लिए काम सोचा उस पे नियुक्त किया परमेश्वर ने। पर हमें देखने की जरूरत है, क्या हम उस बुलाहट के लिए जो प्रभु ने हमें दी है, जिसलिए हम बुलाए गए हैं, जिस स्वर्गीय बुलाहट में भागे हुए, हम सांसारिक बुलाहट में नहीं कि संसार में किसी काम के लिए आपको बुला लिया हो या कोई काम करना, उसके लिए नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि संसार में लोग बुलाते अपना काम करते भूल जाते, परंतु परमेश्वर ने एक बुलाहट दी है, विशेष करके यीशु मसीह ने काम, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना एक विशेष उद्देश्य के लिए। वो उद्देश्य जो है वो स्वर्गीय उद्देश्य है, वो परमेश्वर ने अपने उद्देश्य को स्वर्ग से भेजा, एक बुलाहट भेजी और वो आपके लिए भेजी ताकि आप बुलाए जाएं। और जो बुलाए गए हैं परमेश्वर ने एक उनके लिए आज्ञा ठहराई है, एक विधि ठहराई है, और वो चाहता है कि हम उस बुलाए जाने पर विश्वास योग्य रहें। लिखा कि नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा और पिता भेजने वाला है उसके प्रति विश्वास योग्य था, ना तो वो इधर मुड़ा ना उधर मुड़ा, जहां परमेश्वर ने उसे बोला वही किया, चाहे उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। मेरे प्रियो बहनों भाइयों,
जब हम नियुक्त यानी विश्वास जो है, विश्वास बलिदान मांगता है। विश्वास जब हम विश्वास योग्यता रहने की कोशिश करते हैं, उसमें हमें अपने आप को नीचा देखना पड़ता है, कई बार हमें दीन होना पड़ता है, कई बार हमें दूसरों की बातें सुननी पड़ती है, परंतु विश्वास को संभालने के लिए हमारे अंदर सहनशीलता और एक कर्मठ होना चाहिए, हमें एक विश्वास होना चाहिए, एक दृढ़ता होनी चाहिए, एक निश्चितता होनी चाहिए कि जो मुझे दिया गया मैं उसे थामे रखूंगा। परमेश्वर वचन बताता है नियुक्त करने के लिए विश्वास योग्यता, जैसा मूसा भी अपने सारे घराने में, मूसा अपने सारे घराने में, सारे घराने कहते हैं जैसे अब्राहम का घराना हुआ, मूसा का घराना हुआ, दाऊद का घराना हुआ, वो सारे घराने हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है सारे घरानों में मूसा परमेश्वर के घर में विश्वास योग्य था। हम जब परमेश्वर में चुनता है, क्या हम विश्वास योग्य रहे हैं? बाइबल में परमेश्वर वचन में लिखा बहुत सारे लोग विश्वास से चले। अब्राहम को बुलाया परमेश्वर ने, अब्राहम विश्वास से चला और विश्वास से उसने वो आशीषें पाई जो उसने उसे उसके लिए जरूरी थी। परमेश्वर ने उसे ठहराया था, इस सूखी भूमि में रह, ये तेरे लिए रखी मैंने, उसमें आशीष दी। परमेश्वर ने उसे कहा जहां मैं रखूंगा वहां। आज विश्वास योग्यता नहीं है, अविश्वास हो जाता, लोग विश्वास की घटी के कारण अपने कमिटमेंट को तोड़ देते प्रभु के साथ और क्या करते हैं, अपने जीवन में हानि उठाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु ने जहां उसे बिठाया, जहां उसे लगा वहीं पे बैठ गया, वहीं पे लग गया, परमेश्वर की बाट जो होने लगा, इंतजार करने लगा उसकी बात पूरा होने के लिए। और मूसा भी अपने सारे घराने में क्या था, विश्वास योग्य था। अगर गिनती की पुस्तक में जाए तो वहां पर एक वचन लिखा है, गिनती की पुस्तक और उसका 12 अध्याय उसके 7 पद में लिखा, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। प्रभु खुद गवाही दे रहा है, खुद गवाही दे रहा कि मेरा दास जो है मूसा जो है वो जो है वो सारे घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। प्रभु कहता है मैं उससे बात करता हूँ आमने सामने होके। जो लोग विश्वास योग्य रहते हैं परमेश्वर उनसे डायरेक्ट बात करता है। ये खुशी की बात हमारे लिए कि परमेश्वर हमसे डायरेक्ट बात करे, परमेश्वर किसी बिचौलिया की जरूरत ना पड़े। परमेश्वर का वचन कहता है मैं उससे आमने सामने होकर बात करता हूँ, गुप्त रीति से नहीं करता, और वह यहोवा का रूप स्वरूप निहार नहीं पाता है। वो कहता है कि परमेश्वर के रूप को देखता है, परमेश्वर के चेहरे को देखता है। मूसा ने परमेश्वर के दर्शन किया और एक मूसा ही ऐसा था जो विश्वास योग्य ठहरा। आपको मालूम है दाऊद, दाऊद के विषय में, हनो के विषय में देखे, दानियल के विषय में देखे, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने विश्वास योग्यता को पाया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने विश्वास योग्यता को तोड़ा, वो लोग हैं। अगर प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय उसके 1 पद में देखें कि वहां पर हनन्याह और सफीरा के बारे में लिखा, वहां पर बहुत सारे लोग विश्वासी अपनी भेंट चढ़ा रहे, अपनी कमिटमेंट प्रभु के साथ पूरा कर रहे हैं, अपने विश्वास के साथ चल रहे हैं, अपनी कलीसिया में सही से चल रहे हैं, अपने घरों में सही चल रहे हैं, अपने कामों के क्षेत्र में सही चल रहे हैं। जो काम उन्हें दिया गया है उस काम पर वो खड़े हैं। वचन में लिखा कि उन्होंने कुछ बातें की वहां पर, परमेश्वर को कुछ भेंट चढ़ा रहे थे, परंतु उसमें से उन्होंने कुछ अपने कमिटमेंट को तोड़ दिया और कुछ बातें अलग से जोड़ के वो परमेश्वर सामने गए। और बाइबल ये बताती कि वो अविश्वास योग्यता गिना गया, विश्वास योग्य नहीं रहे, उन्होंने विश्वास योग्यता को तोड़ा। और उन्होंने उस पासवान के लिए नहीं, उस अगुवे के लिए नहीं तोड़ा जो अगुवा बैठा था वहां पर, जो पतरस था वहां पर, उसी के लिए नहीं। आपको पता पतरस के लिए तो विश्वासघात किया ही किया उन्होंने, क्योंकि उसके सामने सच्चे नहीं थे, परंतु उन्होंने परमेश्वर के प्रति विश्वासघात किया। परमेश्वर जो था पवित्र आत्मा से उन्होंने झूठ बोला। अब जब कमिटमेंट करते हैं कि प्रभु मैं ये करूंगा, आप परमेश्वर दास से नहीं, परमेश्वर पिता से बात कर रहे हैं, आप पवित्र आत्मा से बात कर रहे हैं, आप पवित्र आत्मा आपके हृदय को जांचता है, पवित्र आत्मा जांचता है परमेश्वर की मनसा क्या, पवित्र आत्मा जांचता है आपकी मनसा क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या। प्रभु को पता है क्यों आशीष नहीं मिलो लोगों को, क्योंकि उसे पता ये थोड़े दिन चलेंगे और थोड़े दिन बाद ये अविश्वासी हो जाएंगे, और अविश्वासियों के लिए परमेश्वर के पास कोई भी जगह नहीं है। इसलिए क्या करना पड़ा, इसलिए क्या हुआ, परमेश्वर को उनका न्याय करना पड़ा। और परमेश्वर ने देखा क्या हुआ, उन्होंने जब पवित्र आत्मा से झूठ बोला उनके जीवन में विनाश आ गया, यहाँ तक कि मृत्यु आ गई, वो खुद मर गए, और खुद मर गए, और उन्होंने क्या किया, अपनी मृत्यु को अपने गले लगाया, उनकी पत्नी भी मृत्यु में चले गई। परंतु जो विश्वास से रहे, हनोक देखिए, हनोक विश्वास से उठा लिया गया, परमेश्वर पर विश्वास किया, दानियल ने उसकी प्रार्थनाएं सुनी गई, अब्राहम ने विश्वास किया उसे आशीष मिले, दाऊद ने विश्वास किया प्रभु ने उसे आशीषित किया, उसे अभिषेक किया, सुलेमान ने देखिए विश्वास किया परमेश्वर के, परमेश्वर ने उसे बहुत सारी आशीष दी हैं, और बहुत सारे दास हैं ऐसे जिन्होंने परमेश्वर की आशीषों को पाया। अगर आज संसार में हम देखें लोग क्या है, लोग सोचते हम धनी हो गए, परमेश्वर वचन कहता है तू अभागा है और नंगा है, तेरे पास कुछ नहीं है। प्रभु के वचन में लिखा है
अभागा है और नंगा है। परमेश्वर वचन बताता है कि लोग सोचते हैं हमने सब कुछ पा लिया, पर कुछ भी नहीं है उसके पास। अगर परमेश्वर नहीं है तो कुछ भी नहीं। अगर विश्वास योग्यता नहीं, विश्वास ही टूट गया, अगर आपने प्रभु का विश्वास तोड़ दिया, आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य नहीं। परमेश्वर वचन कहते हैं वचन को तोड़ना, वचन अगर हमने तोड़ा तो आप विश्वास को तोड़ रहे हैं प्रभु के। एक वचन और पढ़ेंगे, भजन संहिता 138, भजन संहिता 138 में एक बात लिखी है, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता विश्वास को तोड़े। 138 भजन संहिता 138 का यहाँ पर लिखा है, उसके दो पद के सेकंड पार्ट में लिखा, मैं पूरे पढ़ देता हूँ। मैं तेरे मंदिर की ओर, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और तेरी सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। परंतु परमेश्वर वचन आगे कहता है, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का नाम यहोवा, महाराजा अधिराज, वो पवित्र सेनाओं का यहोवा, उसने अपने उस बड़े नाम से किसको महत्व दिया? वचन को। वचन सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम वचन ही तोड़ दें, वचन का कमिटमेंट तोड़ देते, प्रभु से हम वचन ही तो भरते हैं, प्रभु हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तेरे भवन में रहेंगे, तेरे पीछे चलेंगे, तेरी महिमा करेंगे, तो ये सारी बातें हैं, उन्होंने हनन सपीरा ने वाचा बांधी थी, हम ऐसा करेंगे, हम तेरे लिए भेंट चढ़ाएंगे। क्या किया? विश्वास योग्यता नहीं रही। मूसा ने परमेश्वर के दर्शन की विश्वास योग्यता से। आज लोग आशीष क्यों नहीं पाते? विश्वास योग्यता नहीं है। एक दूसरे से झूठ बोलना, चोरी करना, छुपाना, बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीजें आती है। यहाँ तक कि परमेश्वर के दासों को तुच्छ जानना, यहाँ तक कि परमेश्वर के दासों के लिए वाद विवाद करना, यहाँ तक कि परमेश्वर के दासों के सामने डर नहीं लगता, उन्हें पवित्र आत्मा के सामने डर नहीं लगता। परमेश्वर का भय खत्म हो गया। जब भय नहीं होता तो विश्वास योग्यता कहाँ से आएगी? परमेश्वर का भय हमारे अंदर विश्वास योग्यता को पैदा करता है, और हम विश्वास को, वचन को मानने के लिए कमिटमेंट करते हैं। प्रभु का वचन कहता है उसका जो वचन है उसके नाम से भी अधिक बहुमूल्य है। हमें उसके वचन को फॉलो करना है, उसके वचन को फॉलो करना। मूसा जैसे सारे घराने में विश्वास योग्य था, हमें भी प्रभु के घराने में विश्वास योग्य था। परमेश्वर ने अपने घराने में रखा। उसका घराना क्या है? उसका घराना है उसकी कलीसिया, उसका घर। हम कहते हैं प्रभु तू हमें मसा कर, परमेश्वर कहते तू आगे तो बढ़। हम कहते हैं परमेश्वर तू हमें फल दे, परमेश्वर कहते तू जड़ तो पकड़। परमेश्वर से हम मांगते हैं, प्रभु जी तूने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी। प्रभु कहते तू अपने मन को बदल तो सही, तो अपने मन को बदल दे कि मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। आज मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। मेरे प्रिय बहनों भाइयों, मैं बस यही कहना चाहता हूँ, विश्वास योग्यता बहुत जरूरी है आपके ज़िंदगी में। आप वफादार रहिए, वफादारी बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी चर्च में जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, आप नौकरी की जगह पर जाते हैं, आप अपने कामों के क्षेत्र पर जाते हैं, अगर आप विश्वास योग्य नहीं हैं, अगर आप वफादार नहीं हैं, तो परमेश्वर जानता है कि आपके जीवन में आशीष नहीं है। ये आप भी जानते हैं, आपकी वफादारी चाहता है प्रभु। आज वफादार नहीं है लोग, आने जाने को वफादार नहीं कहते, कभी आ गए कभी चले गए, वफादार नहीं है। अपनी मर्जी से चलना वफादारी नहीं है। प्रभु के वचन को लेके, उसके वचन को, उसके कलाम को, उसकी बातों को लेके हम आगे बढ़े, तब वफादारी है। वफादारी है कि प्रभु के लिए जीना, प्रभु के लिए काम करना, प्रभु के लिए मरना, सब कुछ वही है। हमारी जीवन में घटी आएंगी, तूफान आएंगे, संकट आएंगे, लोग पत्थर मारेंगे, तरह तरह की बातें बोलेंगे, परंतु क्या है, हमें वफादार रहना। जो घर हमें दिया गया, जो जो सत्संग भवन हमें दिया गया, जो चर्च हमें दिया गया, जो काम का क्षेत्र हमें दिया गया, नौकरी का क्षेत्र हमें दिया गया, उन क्षेत्रों में हमें वफादार रहना। वफादारी हमें डेवलप करेगी, प्रभु देखेगा ये वफादार है। वचन में लिखा जो थोड़े में विश्वासी, जो थोड़े में वफादार है उसे ज्यादा दिया जाएगा। हमें चाहे कुछ भी मिला है, छोटा सा वचन मिला, छोटी सामर्थ्य मिली हमें, छोटा सा प्रकाश मिला प्रभु का, छोटी सी सेवकाई मिली है प्रभु की, हमें वफादारी से उसमें चलना है। और मैं देखना वचन के अनुसार हम पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, पर कई बार हमें जो वचन हमें लगता है ये हमारे लिए अच्छा, हम उसी को पढ़ते हैं। जो वचन हमारे लिए नहीं है, ये हमें काट रहा है या हमें तोड़ रहा है, उसे हम आगे कर देते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए, सबके लिए है, जो पैदा हुए उनके लिए, जो नहीं हुए अभी तक उनके लिए भी है, जो मर गए उनके लिए भी है, हर एक के लिए है। ये वचन ही हमारे काम आएगा, वचन को छोड़ के और कुछ भी नहीं है। लिखा धन्य वो व्यक्ति जो मेरी इन बातों को मानता है, सुनता है और उन्हें पढ़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वफादारी करिए, बेवफा मत होइए। यीशु मसीह वफादार थे। यीशु मसीह आए और आपके लिए प्राण दे दिए। यीशु मसीह आए और आपके लिए कुर्बानी दे दी। यीशु मसीह ने आपको बचाया, आपके पाप क्षमा कर दिए, और कितने पाप थे उसने आपको दोष नहीं लगाया, शांत रहा, कहता रहा इन्हें माफ कर पिता, ये नहीं जानते क्या करते हैं। हमें कितना वफादार होना चाहिए प्रभु के,
जहां पर परमेश्वर ने रखा हमारे ब्लेसिंग वहीं पे, आप कहीं भी भागे ब्लेसिंग नहीं मिले, क्योंकि परमेश्वर ने एक स्थान चुना, परमेश्वर ने एक जगह रखी आपके लिए, तू यहाँ रहेगा मैं आशीष दूंगा। और कई बार हम अपनी इच्छा से हम अपने स्थानों को बदलते हैं, अपने घरों को बदलते हैं, अपने काम के क्षेत्र को बदलते हैं, अपने जॉब को बदलते हैं, और उसमें क्या होता है, उसमें हम अपनी इच्छा से, हमें लगता है ये घाटे घाटे की चीज़ है, हमें लगता है यहाँ पर ठीक नहीं है, हमें लगता है ये, हमें लग रहा है शैतान ने एक चश्मा लगाया, ऐसा चश्मा लगाया। आप इस चश्मे को ग्रीन लगाइए तो आपको ग्रीन दिखेगा, आप ब्लैक लगाइए आपको ब्लैक दिखेगा, आप ब्राउन लगाइए ब्राउन दिखेगा। शैतान क्या करता है, आपको एक चश्मा लगाता है और वो दिखाता वो अच्छा है तेरे लिए, जो जहाँ पर तू है ये अच्छा नहीं है, वो दिखाता वो चीज़ अच्छी है, ये तेरे लिए नहीं है, ये तेरे अपने लोग नहीं है, वो बहुत प्यार करते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छा काम है, वहाँ कमाई ज़्यादा है, यहाँ ये ज़्यादा है, वहाँ वो ज़्यादा है, यहाँ आप ऑप्शन ज़्यादा है। जब वो चश्मा लगाता है मुझसे देखता है, हमें लगता है वो ठीक है, परंतु वो ठीक नहीं होता। परमेश्वर का वचन कहता है, वो वायदे का परमेश्वर, उसने वादा किया आपसे, जहाँ उसने रखा मैं तुझे वहीं आशीष दूंगा। अब्राहम को उसने सूखी बंजर भूमि में रखा और उसने कहा सब कुछ छोड़ दे मेरे पीछे आ। अब्राहम बैठा रहा, इंतजार करता है प्रभु की, और परमेश्वर ने उसी सूखी बंजर भूमि में फसल उगाना शुरू कर दिया, उसके लिए आशीष हुई। उत्पत्ति के 25वें अध्याय में जाएंगे, 25 अध्याय में जाएंगे तो वहाँ पर इसहाक के बारे में लिखा है। अगर वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर लिखा कि परमेश्वर ने, मैं समझ चाहूँगा, 26 है, 26 अध्याय, उसके 12वें पद में लिखा, इसहाक उस देश में था जहाँ पर अकाल पड़ा, लगा था मैं बढ़ नहीं रहूँगा, परंतु क्या करा, वो जाने लगा वहाँ से, परमेश्वर का यहीं पर रहे, ये फिर यही मैं आशीष दूंगा। उसने परमेश्वर के कहने को माना, उन्हें परमेश्वर के वचन, वचन जिसे परमेश्वर ने सबसे पहला स्थान दिया, अपने नाम से बढ़कर दिया, उन बातों को सुना, अपने हृदय में रखा, और परमेश्वर ने उसे उसी वर्ष में 100 गुना दिया, और उसने आशीष दी, और लिखा वो इतना बड़ा, उसकी उन्नति होती चली गई, वो महान पुरुष हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहे हैं, बस आपकी एक चीज चाहता है, वफादार, अपने कलीसिया के प्रति वफादार, अपने पासवान के प्रति वफादार, अपने प्रभु के प्रति वफादार, और सबसे ज़्यादा अपने जमीर के प्रति, जो आपने प्रभु से वादे किया उसके प्रति वफादार रही है, प्राण देने तक रही है, वचन पढ़ना हो, दान देना हो, या चर्च में जाना हो, या किसी की सहायता करनी हो, या गरीबों को खाने खिलाना हो, हर चीज़ में वफादार। एकदम पकड़ लीजिए प्रभु को, प्रभु ने यहाँ लगाया मैं यहीं जड़ पकड़ूंगा, लिखा जैसे तुमने मसीह को ग्रहण कर लिया वैसे जड़ पकड़ते जाओ। मैं दुआ करता हूँ आपके लिए, कुछ प्रार्थना निवेदन आई है, ममता बहन के लिए हम दुआ करेंगे, ममता जी का कोर्ट केस है उसके लिए दुआ करेंगे, उनके फाइनेंस के लिए दुआ करेंगे, और दुआ करेंगे लीना के लिए, लीना पेटेरिया के लिए दुआ करेंगे, उनके फाइनेंस के लिए दुआ करेंगे, उनकी कंडीशन सुधरने के लिए उनकी प्रार्थना निवेदन आई है, पास्टर नेमाए के निवेदन है उनकी, दुआ करेंगे उनके लिए, हमारे प्रार्थना भवन के लिए दुआ करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, और मैं प्रार्थना करूंगा जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए भी दुआ करूंगा, आंखें बंद करेंगे। थैंक यू फादर, पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, खुदावंद तेरी दया तेरा अनुग्रह होने पाए पिता। आज परमेश्वर पिता तू लोगों के अंदर अपने विश्वास को देखना चाहता है, तूने विश्वास के द्वारा लोगों को चंगा किया, तूने कहा प्रभु जी जा तेरे विश्वास ने चंगा किया, जैसा तेरा विश्वास है तेरे साथ ऐसा ही हो जाए। आज परमेश्वर लोगों की जिंदगी में विश्वास नहीं है, वो अपने विश्वास से चलते हैं, उनका खुद का रेडीमेड विश्वास है, बनाया विश्वास है, वो सोचते हैं मैं वहां चलूंगा ऐसा हो जाऊंगा, मेरा विश्वास वही, मैं वहां जाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, इस देश में व्यापार करूंगा, मैं वहां पर बढ़ जाऊंगा, मुश्किली से जाऊंगा, मैं ये बदल लूंगा, मैं वो बदल लूंगा परमेश्वर, परंतु वो तेरे खिलाफ है सारी चीजें, तेरे वचन के विरोध में प्रभु, तेरी व्यवस्था ऐसी नहीं, तेरे सिखाने वाले ऐसे नहीं है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, पिता परमेश्वर आशीष दे प्रभु ऐसे लोग जिनके मन आज छलावे में चल रहे हैं प्रभु, जिनके मन अपने मन से चल रहे हैं प्रभु जी, जिनके मन आज भरमाने वाली दुष्टात्माओं के अधीन हो गए पिता, वो आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं ममता बहन के लिए प्रभु जी, ममता को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, जो दीपक की बहन है खुदावंद यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं उस बहन को आशीष दे प्रभु, उनके फाइनेंस के रास्ते खोल खुदावंद यीशु मसीह, पिता परमेश्वर का जो कोर्ट केस है वो यीशु के नाम में फाइनल हो जाए इसी घड़ी, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, वकीलों को, जजों को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, भूदेव भाई का केस है वो खत्म हो जाए यीशु के नाम में। और पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं लीना बहन के, लीना पटेरी का तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, पिता परमेश्वर उनके फाइनेंस की जो कंडीशन है वो खत्म हो जाए प्रभु जी, वो परमेश्वर फाइनेंस में आशीषित हो जाए पिता परमेश्वर, सारा कर्ज सारे श्राप टूट जाए प्रभु जी, बीमारियां दूर हो जाए प्रभु जी, उनके काम को आशीष दे प्रभु, उनके जीवन को आशीष दे प्रभु, और तेरे नाम की महिमा होने पाए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ अद्भुत रीति से तू काम कर पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए जो इस समय देख रहे हैं प्रभु जी,
पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ उन लोगों को आशीष दे प्रभु जो आशा में है परमेश्वर, उनके जीवन में कुछ बदलेगा प्रभु। आज परमेश्वर विश्वास की घटी के कारण है स्वतः प्रभु अपने आप को जांचे और परमेश्वर पिता एक बड़ा विश्वास करें, उनका विश्वास बढ़ता जाए यीशु के नाम में। प्रभु चेलों ने कहा हमारे विश्वास का उपाय कर। एक व्यक्ति तेरे पास आए प्रभु, उसका बेटा चंगा नहीं हो परमेश्वर पिता, और वो कहता है कि अगर तू कर सकता तो कर दे प्रभु। तूने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ होगा, उसने प्रार्थना की प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक विश्वास को बड़ा खुदा यीशु मसीह, हर एक विश्वास को मजबूत कर, और ये अपने जहाँ भी हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो काम के क्षेत्र में है, चाहे सत्संग के क्षेत्र में, चाहे चर्च में, चाहे हर जगह जहाँ भी हैं परमेश्वर, घर में किसी भी जगह है परमेश्वर, ये विश्वास योग्य रहें, और जब विश्वास योग्य रहेंगे प्रभु तो अपनी आशीष इन्हें देगा। हालेलुया, मैं प्रार्थना करता हूँ आप इन्हें आशीष दें प्रभु, और परमेश्वर तू इनसे फेस टू फेस बात कर। तेरे वचन में लिखा अब्राहम परमेश्वर सॉरी मूसा से प्रभु जी, तो परमेश्वर पिता आमने सामने बात किया करता था प्रभु जी, हर एक से बात कर पिता। आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, यह हर छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी बातों में विश्वास योग्य रहे प्रभु जी, इन्हें धर्मी ठहरा, सारे गुनाहों को माफ कर प्रभु। अगर इन्होंने कोई वाचा बांधी है प्रभु यीशु के नाम में, वो परमेश्वर पूरी कर दे पाए। अगर नहीं हो पा रही प्रभु जी पिता, तो इन्हें माफ कर, फिर से नया जीवन दे प्रभु, नई सी चाल चले और तेरी महिमा करे। जो लोग देख रहे हैं उन्हें आशीष दे तो प्रभु, जो बीमार है वो चंगे हो जाए यीशु के नाम में, जो श्राप है वो चले जाए यीशु के नाम में पिता परमेश्वर। प्रकार की बीमारी बीमारी जो डायबिटीज की बीमारी वो दूर हो जाए यीशु के नाम में, हृदय की बीमारी दूर हो जाए यीशु के नाम में, कोढ़ की बीमारी दूर हो जाए यीशु के नाम में, स्किन की प्रॉब्लम दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारी यीशु के नाम में जाती रहे, डिप्रेशन चला जाए यीशु के नाम में, टेंशन यीशु के नाम में चली जाए, भरमाने वाली आत्मा यीशु के नाम में चली जाए, दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में चली जाए, वो बंधन टूट जाए यीशु के नाम में, जादू टोने तंत्र मंत्र यीशु के नाम में खत्म हो जाए इसी घड़ी। हालेलुया, प्रभु तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, तेरे दास होने के नाते मैं इन सभी को आशीष देता हूँ प्रभु। जितने लोग देखे प्रभु उन्हें आशीष देता कि तेरी महिमा कर सके। मैं प्रार्थना करता हूँ अपने अभिषेक से ढांप और तेरी महिमा करने पर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। प्रभु आपका आशीष करे, और मेरी दुआ रहेगी कि परमेश्वर आपको आशीष करे, और बहुत जल्दी मैं गवाही सुनने पाऊंगा जिनके लिए दुआ की है, और आप जरूर अपनी गवाही दें। अगर आपके जीवन में कुछ बदला है तो गवाही दें, और हमारा फोन नंबर आपको इस पे मिल जाएगा, और कल फिर से मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अगर कोई प्रार्थना निवेदन तो आप हमें भेजें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह की।